अद्भुत 18 में शामिल डांसिंग स्टार्स बॉर्न टू डांस कहलाते हैं। इस बात पर सभी ने अपने पहले परफॉर्मेंस के जरिए ही मोहर लगा दी। पहला परफॉर्मेंस था हमारा, बहुत नर्वस थे, बहुत एंग्जाइटी थी, हाथ पकड़े थे, बोल रहे थे काश अच्छा हो जाए, काश अच्छा हो जाए। परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ, कमेंट्स अच्छे मिले। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक बार फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने के बाद और फर्स्ट परफॉर्म किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कमेंट्स मिलने के बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलीज हो गया, अब लग रहा है सांस ले रहे हैं हम लोग। दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया और हम लोग का कोशिश था कि मैं जो टेरेंस सर हम लोग को सिखाया था उनमें हम लोग को खरा उतरना था, उनको अच्छे से अच्छा करके दिखाना हम लोग का फर्ज था और हमने करके दिखाया। हम लोग में जितना दम था हमने उतना किया हम लोग ने। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई बट वी आर नॉट अपसेट, तो हम फुल ऑन रेडी है कि जब नेक्स्ट टाइम हम उतरेंगे स्टेज पे तो फाड़ देंगे। हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग फाइनली स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे बोला कि तुम दोनों एक जोड़ी दिखते हो। हाँ, जोड़ी अच्छी लगी उनको हमारी। पहले बहुत नर्वस थे कि पता नहीं क्या होगा क्योंकि इतना डिफिकल्ट था हम दोनों के लिए झगड़ा करना, जेलस फील करना, जैसे हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत ही नर्वस थे हम लोग, बट अभी हम लोग बहुत खुश हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम लोग इतना अच्छा करेंगे और दादा ने हमने कब ग्रैंड सैल्यूट दिया, हमारा एम था ग्रैंड सैल्यूट। लेवल इज वेरी हाई, अभी तो मुझे डर लगने लगा है, काम सफर तय करेंगे कहाँ तक, इट्स फैंटास्टिक। पहले हम लोग बहुत नर्वस थे जो ऑडिशन में क्या लेवल होगा सीजन 3 का, अच्छे डांसर्स मिलेगी कि नहीं, अब तसल्ली हो गई है कि ये बहुत रियली गुड कंटेस्टेंट। मैंने एक्चुअली इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था ये बच्चे बहुत रॉ हैं इन दैट सेंस कि इनको शायद समझ इतनी अच्छी आएगी नहीं और वो बहुत सारा फॉल्टर कर जाएंगे, बट दे बिहेव सो प्रोफेशनली एंड दे हैव डन सो वेल कि अब ऐसा लगता है कि सीजन 3 आ गया। मैं कंटेस्टेंट से ये कहना चाहूँगा कि बस अब तो शुरुआत हो गई है, आप कॉम्पिटिशन के अंदर घुस चुके हो, नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, दिस इज इट, घुस जाओ अभी। और ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही देखते रहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको और कितना अच्छा बना सकें ताकि आप टीवी के सामने चिपके रहें।